है जनत, आज की इस वीडियो में जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है जनरल लेजर। जनरल लेजर, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं फंडामेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो कुछ पांच नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देखें ताकि आप लोगों को नेचर ऑफ अकाउंट समझ आ सके। उसके बाद हमने जनरल जर्नल के ऊपर बात की थी कि जनरल जर्नल में हमने कुछ शॉर्टकट्स बताए थे कि कैपिटल और परचेजेस किस तरीके से क्रेडिट और डेबिट होते हैं, अकाउंट कैसे बनाया जाता है और अकाउंट में चीज़ों को एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं। ये वीडियो जो है इस लेक्चर में हम जनरल लेजर डिस्कस करेंगे। जनरल लेजर बेसिकली क्या होता है? जनरल लेजर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स। लेट सपोज मेरे पास मेरी जनरल जर्नल जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था उसमें जो यहाँ मुझे रफली देखने को मिल रहा है चार या पांच अकाउंट्स बन रहे हैं। पहला अकाउंट मेरा बन रहा है कैश का, फिर बन रहा है कैपिटल, कुछ परचेजेस की थी हमने, सैलरीज दी थी, और सैलरीज के बाद मैंने जो है बिल्डिंग ली थी। अब जो एक बात समझने वाली है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक हुई थी परचेज जो कि थी हमारे पास तकरीबन 4,000 रुपये की, और एक हमने ली थी बिल्डिंग जो कि थी 50,000 रुपये की। तो कुछ डाउट्स ये हो सकते हैं कि बिल्डिंग भी हमने परचेज़ की है तो ये हमारे पास परचेजेस के कॉलम में क्यों नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हमारी ट्रांजैक्शन में क्लियरली मेंशन था दैट वी परचेज्ड अ बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा सेपरेटली। अगर लिखा जाता कि वी परचेज्ड समथिंग या परचेजेस एनीथिंग, लाइक कुछ भी बोल सकते हैं कि परचेज्ड ऑफ परचेजेस डन फॉर 50,000 या परचेज्ड गुड्स, अगर गुड्स होता तो हम उसको इस कॉलम में लिखते, लेकिन बिल्डिंग है तो अकाउंट डिफरेंट है और इसलिए उसको डिफरेंट अकाउंट में लिखा गया। अब ये पांच अकाउंट्स हमारे पास बन गए हैं। अब जो ये पांच अकाउंट्स हमारे पास बने हैं, इस हर अकाउंट का अलग से हमारा एक सॉर्ट ऑफ बनेगा टेबल। उस टेबल के अंदर हम बने हर अकाउंट को इंडिविजुअली बैलेंस करेंगे। अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? लेट सपोज मैं बना रही हूँ एक कैश का अकाउंट, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डिवाइड दिस टेबल इनटू टू। जो चीज़ें यहाँ पर कॉलम्स बने हैं सेम कॉलम्स यहाँ पे बनेंगे, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। अब दो दो दफ़ा क्यों किया है मैं बताती हूँ। हमारे पास जनरल जर्नल में एक ट्रांजैक्शन डेबिट भी होती है और वही ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी होती है, ठीक है। अब जब हम जनरल लेजर बनाते हैं कुछ इस फॉर्मेट में, तो ये जो पहला हाफ होता है हमारे टेबल का वो होता है डेबिट सेक्शन। फर्स्ट हाफ इज़ फॉर द डेबिट सेक्शन एंड द सेकंड हाफ इज़ फॉर द क्रेडिट सेक्शन। यहाँ पर जो हम अमाउंट लिखेंगे वो अमाउंट होगी जो कि क्रेडिट हुई थी जर्नल में, और यहाँ पर वो अमाउंट लिखेंगे जो कि डेबिट हुई थी जर्नल के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने एग्जाम्पल देखी थी उस एग्जाम्पल पे जर्नल हमने बना लिया था। कैसे बनाया था अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस लेक्चर आप देख लें। अब इस जर्नल के ऊपर लेजर बनाना देखते हैं। दिस इज़ माय लेजर, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, उसके बाद आगे डिफरेंट अकाउंट। कैश अकाउंट में अब जो चीज़ बहुत गौर से सुनने वाली है वो ये है कि यहाँ देखते हैं कैश कहाँ कहाँ हो रहा है। 1st January को, 7th January, 11th January, 17th और 22nd, मतलब ऑल जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सब ट्रांजैक्शंस कैश की बेसिस पे हुई हैं। अब हमें क्या करना होता है, मेरा कैश जनवरी 1st को डेबिट हुआ है 85,000 रुपीज़। किस वजह से डेबिट हुआ है? कैपिटल की वजह से। तो मैं अपने कैश के लेजर में डेबिट के सेक्शन में 1st January ड्यू टू कैपिटल 85,000 रुपीज़ मेरे क्रेडिट डेबिट हुए हैं इन कैश अकाउंट। मेरा कैश किस रीज़न की वजह से डेबिट हुआ है उसको हम लेजर के अंदर लिखेंगे, डेट द रीज़न एंड द अमाउंट इन द डेबिट कॉलम। मेरा फर्स्ट कॉलम मैंने कहा डेबिट है,
द सेकेंड वन इज़ क्रेडिट। उसके बाद जनवरी 7 को मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू परचेजेस, क्लियरली लिख लेंगे ड्यू टू परचेजेस 7th जनवरी को 7000 रुपीज़ मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद मेरा यहाँ पर 11th जनवरी को कैश डेबिट हुआ है ड्यू टू सेल्स, सेल्स की वजह से 8000 रुपये कैश 11 जनवरी को डेबिट हो गया। हमें कैश की अमाउंट के आगे, जैसे मेरा ये लेजर बन रहा है कैश का, तो मेरा जो कैश है वो अमाउंट के आगे रीज़न लिखेंगे कि किस रीज़न कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ है इतना कैश इस तारीख को, और परचेज की वजह से क्रेडिट हुआ है इतना कैश इस तारीख को। आपने जनरल में लेजर में जर्नल से देख के सारी एंट्रीज बना ली। अब क्या करना होता है, अब हमें देखनी है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है हमारे लेजर की। इन दोनों को सम अप किया, 93,000 रुपीज़ बने, ये रुपीज़ के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। यहाँ सबको सम अप किया तो यहाँ जो सम था, इधर का सम हमें पता चल गया 93,000 था, और इस साइड का जब हमने सम किया इन तीनों को मिला के, तो हमारा जो टोटल सम आया वो था 59,000 रुपीज़। तो क्लियरली इस साइड क्रेडिट अमाउंट जो है वो कम है, तो हम क्या करेंगे कि बड़ी वैल्यू को छोटी साइड की वैल्यू से माइनस करके उसी साइड पे बैलेंस लिख देंगे। 93 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 59,000, तो जो अमाउंट बची मेरी 37,000, वो मैंने यहाँ बैलेंस साइड पे उसी साइड पे बैलेंस करके लिख दी। ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस है। कैपिटल का लेजर जब बनाएंगे तो कैपिटल पूरे जर्नल में सिर्फ एक ही बार आया था, जनवरी 1 को 85,000 रुपीज़ मेरे क्रेडिट हुए थे ड्यू टू कैश। मैंने लिख दिया 1 जनवरी कैश 85,000 रुपीज़। यहाँ पर क्योंकि एक ही साइड है तो ये बड़ी साइड है, इस इधर नहीं, बैलेंस हम अपोजिट साइड पे लिखेंगे। जो बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट साइड पे जाएंगे, अगर वहाँ कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको इससे सब्ट्रैक्ट करके वहाँ बैलेंस लिख देंगे, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो एज इट इज़ वही अमाउंट हमारा बैलेंस आएगा ऑन द अपोजिट साइड। परचेजेस में भी सिर्फ परचेज हुई थी मेरी 4,000 रुपये की ऑन द बेसिस ऑफ कैश 7th जनवरी को। 7th जनवरी को मेरी 4,000 रुपये कैश हुई है डेबिट, मैंने इसको ऑपोजिट साइड पे क्रेडिट पे लिख दिया। सैलरीज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट, सिंपल है ये काम, आप लोग करें। देन नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक ट्रायल बैलेंस पे करेंगे।